नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए जिसमें कुछ वीडियो बनाने के ऊपर सजेशन था कि सर जो है जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट या डेली वर्क रिपोर्ट, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसके ऊपर जो है वीडियो बनाए। तो फिर मैंने भी जैसे मैं अपने साइट में भी जो है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर जो वर्क करता हूँ और वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मैं भेजता हूँ और मंथली भी भेजता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, जो चीज़ मैं अपने साइट में फॉलो कर रहा हूँ, जिस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ, उसको जो है आप तक पहुँचा दो। तो इसमें क्या, आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहे डेली वर्क रिपोर्ट जो है, ये आपका डिफरेंट जो आपका जो साइट होता है उसका जो फॉर्मेट डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन मेन जो मंसा मंजिल जो है वो आपका जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको शो करना कि भाई की साइट में जो है क्या काम चल रहा है। तो हम आपको जो है इसमें जो है बताएंगे और कुछ एक फॉर्मेट देख देख करके आपको समझाएंगे, और हो सकता है कि मेरा फॉर्मेट जो है मैं बनाया हूँ आपको सही लगे, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो और फिर एक और चीज़, अगर मेरा फॉर्मेट आपको पसंद आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है आप मुझसे ये ले सकते हैं। मैं जो आपको जो है, आप मेरे कमेंट में जैसे ही ईमेल आईडी डालेंगे ना, हम आपको ईमेल आईडी पे वो भेज देंगे। तो हम चलते हैं, मैं जो साइट में जो फॉर्मेट फॉलो करता हूँ, मैं जो बनाया हूँ वो आपको हम दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, यहाँ देखिए, डेली वर्क या प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप इसको वर्क रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। जैसे 1/3/2019 का है टाइम जिस समय बनाया गया। अब देखिए, वर्क एट साइट, साइट में क्या क्या काम चलता है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आइटम क्या क्या है, एक नॉर्मली पर डे तो कुछ ना कुछ होता रहता है, जो कि आपका जैसे कास्टिंग हो गया, रड बाइंडिंग हो गया, स्टेजिंग हो गया, सटरिंग हो गया, डिसटरिंग हो गया, क्यूरिंग हो गया, वाटर प्रूफिंग हो गया, BBS हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, चेकिंग हो गया, क्यूब कास्टिंग हो गया। ये जो चीज़ है कंस्ट्रक्शन साइट में डेली होता ही रहता है, ये तो क्लियर है। अब उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन, अब ये जैसे मान लें कास्टिंग, कास्टिंग कहाँ पे हो रहा है, जैसे RCC वर्क एट बीम एंड स्लैब एट फोर्थ फ्लोर का, फिर लिफ्ट वाल 3 का विथ पार्टीशन वाल, इस तरह से। रड बाइंडिंग कहाँ हो रहा था भाई, रड बाइंडिंग आपका जैसे हो रहा था फोर्थ फ्लोर PVR बीम। स्टेजिंग कहाँ हो रहा था, स्क्रीन 5 स्लैब फोर्थ फ्लोर। शटरिंग कहाँ हो रहा था, फोर्थ फ्लोर स्लैब नॉन PVR एरिया। ये जो है लोकेशन आपका जो चेंज हो गया, इसको आप फॉलो मत कीजिएगा बिल्कुल नहीं, ये लोकेशन तो ऑन साइट के हिसाब से कहाँ पर लोकेशन है। फिर डिसटरिंग ये हो गया, फिर क्यूरिंग कहाँ पर, क्यूरिंग विथ करना जरूरी, क्यूरिंग कहाँ हो रहा था, वाटर प्रूफिंग ग्राउंड फ्लोर संकन एंड फर्स्ट फ्लोर संकन एरिया में, BBS, फिर BBS जो है बन रहा कि नहीं बन रहा, चेक हो रहा कि नहीं, अभी कुछ आज के डेट में नहीं हो रहा था तो नील। ब्रिक वर्क हो रहा कि नहीं, ब्रिक वर्क में जैसे सेकेंड फ्लोर में हो रहा था, चेकिंग में कुछ हुआ कि नहीं आज साइट में, तो ये सारा चीज़ जो आपका साइट में देखेंगे। और क्यूब कास्टिंग, जब कास्टिंग हो रहा था उस समय जो है क्यूब लिया गया कि नहीं लिया गया, तो क्यूब लिया गया था फोर्थ फ्लोर एंट्रेंस एरिया, जो कि आपका जो ये जो फोर्थ फ्लोर स्लैब जो कास्टिंग हो रहा था उसका जो है इस एरिया का जो क्यूब लिया गया। ये चीज़ तो हो गया। अब कास्टिंग डिटेल, यहाँ एरिया हो गया कितना क्यूबिक मीटर है एज पर पोर कार्ड, एज पर पोर कार्ड, पोर कार्ड को लेकर के जो पोर कार्ड होता क्या है इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। अब स्क्वायर फीट एज पर रिपोर्ट, एज पर एक्चुअल कितना होना चाहिए, वेस्टेज कुछ हुआ कि नहीं, रिमार्क। तो फोर्थ फ्लोर जब बीम और स्लैब का कास्टिंग हो रहा था 37.26 MPU था, उसके हिसाब से 291 बैग होना चाहिए सीमेंट का। तो एज पर रिपोर्ट भी वही है, एज पर एक्चुअल भी सेम ही लगा। लिफ्ट वाल 3 और विथ पार्टीशनल, इसमें भी वही चीज़ है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो पहले जो है वर्क एट साइड में क्या हुआ, फिर कास्टिंग क्या वो दे दिए। अब चलते हैं मटेरियल कंजप्शन। तो मटेरियल में जो है देखिए, यहाँ पे TMT रड तो आप यूज़ करेंगे, ये पेनेट्रॉन आपका हो गया वाटर प्रूफिंग केमिकल, सिक्का एडमिक्सर हो गया, पेनेट्रॉन एडमिक्स हो गया,
पेनी बार हो गया, वाटर, पेनी बार मतलब हो गया आपका वाटर स्टॉप, सिक्का ग्रॉट, सीबेक्स 100, ये आपका जो वाटर प्रूफिंग में काम आता है, क्राइसो, ये एडमिक्सर हो गया। अब सीमेंट में ओपीसी, सीमेंट पीएससी, सीमेंट पीपीसी। तो आज का जो कास्टिंग जो हुआ था वो आपका था पीएससी का, पहला कास्टिंग था पीएससी का, सॉरी पहला कास्टिंग था पीपीसी का, वो था आपका ओपनिंग स्टॉक। ये टोटल स्टॉक हो गया, मतलब कि टोटल स्टॉक आपका जो है अभी तक साइट में जो है 25,708 बैग आ चुका है, इन स्टॉक में जीरो है अभी। और ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग का खुला था वो था आपका 363, और 363 था जिसमें से यूज्ड हुआ आपका 363 यूज्ड हो गया, कास्टिंग हो गया, और एज पर वॉल्यूम के हिसाब से। फिर इसमें जो आगे चलेंगे हम, ओपीसी भी कास्टिंग था, ओपीसी था टोटल था इन स्टॉक 9551 और इसका ओपनिंग स्टॉक था 91968 और इसमें जो है यूज्ड हुआ 17। अब और टोटल अभी तक साइट में आ चुका है 16,1697 और पीएससी जो अभी तक इतना आ गया, ये सारा आपका टोटल स्टॉक ये हो गया, ये हो गया टोटल स्टॉक। ठीक है, इन स्टॉक क्या है अभी इन स्टॉक में, और ये देखिए कुछ अगर रिसीव हुआ तो रिसीव में डाल देंगे, नहीं तो ओपनिंग स्टॉक मतलब कि आज जो है सुबह सुबह जैसे कि क्या ओपनिंग है, कितना है, और यूज्ड आज के डेट में कितना हुआ, ये आज का डेट में कितना यूज्ड हुआ हुआ है आपका, 17 था यहाँ पर 360 था, इस तरह से। तो इस तरह से आपका जो है इसको मैनेज करके जो करना, सब कुछ इसमें दिया हुआ, ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं ड्राइंग इशू टू, जो आपका जो कॉन्ट्रेक्टर होगा वहाँ उसको कुछ ड्राइंग इशू हुआ कि नहीं हुआ आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी ड्राइंग है, और अगर ड्राइंग आपका जो कंसल्टेंट है वहाँ से इशू हुआ तो उसको लिख सकते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट, अगर उसी डेट में कोई क्यूब टेस्टिंग हुआ, जैसे 31 तारीख का जो है क्यूब बना था 31/1/2019 और टेस्टिंग डेट जो है 1/3/2019 को है, आज का डेट टेस्टिंग है तो डे 28 हो गया, ग्रेड M30 था, इसका जो है MPI आया था 31.7, रिक्वायर था 30 और ये रिजल्ट जो है मेरा पास है, क्यूब टेस्ट है। और अगर साइट में कुछ इशू है, इशू साइट डेट ऑफ रिजल्ट कुछ अगर इशू है, क्यूरिंग नॉट प्रॉपर या बेजिंग प्लान ब्रेकडाउन, इस तरह के लेकर के जो है कास्टिंग और लास्ट में जो ब्रेकडाउन हो गया उसका भी आप लिख सकते हैं। अब जब प्रोग्रेस एट साइट, यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं कास्ट डेट ऑफ कास्टिंग, कुछ आगे का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, और डेट ऑफ कास्टिंग से क्या सकते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से और कुछ अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही आपका जो है आसान है, ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि खास करके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है आपका ये चीज़ मटेरियल कंजप्शन, मेटल कंजप्शन ने आपका जो है इसको भी आप जो है रिकॉर्ड रख सकते हैं, आपके पास पता चलते रहे कि साइट में जो है क्या क्या है। और एक और चीज़ आपको दोस्तों याद दिला दूं, ये बहुत ही आपका जो है आसान है ये, अगर ये आपको फाइल आपको अगर चाहिए आप जो मेरे कमेंट बॉक्स अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको भेज दूँगा अगर ये फाइल आपको पसंद आएगा। और जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर के जो है डिफरेंट तरीके से भी आप बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, चाहे आपका कंपनी में किस फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है उसको भी आप दे सकते हैं। तो मैंने इस फॉर्मेट को बनाया और ये फॉर्मेट जो है मेरे लिए सुटेबल है, डे बाय डे जो है मैं डेली देख सकता हूँ कब किस समय कितना कास्टिंग हुआ, इसमें सब कुछ है, कास्टिंग से लेकर के कितना आपका रड कंजप्शन हुआ, सीमेंट कंजप्शन हुआ, पीपीसी लगा, ओपीसी लगा, उसमें एडमिक्सर कौन सा लगा, और प्लस साइट के एक्टिविटीज में क्या कास्टिंग था, रड बाइंडिंग क्या हुआ, स्टेजिंग क्या हुआ, सटरिंग क्या हुआ, डिसटरिंग क्या हुआ, फिर क्यूरिंग क्या चल रहा था, फिर वाटर प्रूफिंग क्या हुआ, फिर बीबीएस बन रहा है कि नहीं, मेरा चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर ब्रिकवर्क कहाँ पर चल रहा है, फिर चेकिंग क्या था साइट में, प्लस क्यूब कास्टिंग जो कास्टिंग रहा था उसका क्यूब बना कि नहीं बना, ये भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ छोटा मोटा अगर कास्टिंग होता है तो उसमें जो नॉर्मली जो क्यूब नहीं बनाते हैं, इसमें हमको ये भी पता चल जाए कि क्यूब बना कि नहीं बना। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्मेट जहाँ तक मुझे समझ में आता है, और इसमें फिर जैसे मेटेरियल कंजप्शन सब भी है और प्लस क्यूब अगर टेस्ट हुआ तो उसका कितना रिजल्ट आया वो भी है,
प्लस आपको अगर कुछ साइट में कुछ इशू है वो भी है, प्रोग्रेस अगर कुछ है वो भी है, और अगर कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं नोट में कुछ भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं अगर अपने हिसाब से। तो एक बहुत ही आसान आपका ये जो फॉर्मेट है आप इसको जो है बना सकते हैं, और साइट पर डे के हिसाब से जो क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको अगर आपको अपने बॉस को भेजना है भेज सकते हैं। अगर वो इस फॉर्मेट को अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे तो उसको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़, साइट में क्या प्रोग्रेस हुआ है, मेरे पास मटेरियल कितना है, अगर कम है तो उसको मंगाना है, कुछ ड्राइंग आया कि नहीं आया, और किस एरिया में क्या काम चल रहा है, और आज कास्टिंग था कि नहीं था, अगर कास्टिंग था तो क्यों बना कि नहीं बना, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ। ये हो गया डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। डेली मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट में क्या काम चल रहा है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मेट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको जो है लाइक कर दीजिए, और जो है आप ये जानकारी जो उन सारे सिविल इंजीनियर और चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे सुपरवाइजर को भेज दीजिए जो जो है साइट में काम कर रहे हैं, तो उनको जो एक जो है सॉफ्ट कॉपी जो है एक्सेल में बना रहेगा उसको आप चाहे तो उसको प्रिंट भी ले सकते हैं, और डेली क्या क्या वर्क हो रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से जल्द जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कितना बार बोलूँगा बताइए, और अगर सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन भी बन जाएगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस वही है कि जब जब हम जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड कुछ भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।